बट like, oh so तो, मुझे नहीं पता मैं अभी ये वीडियो तो बना रही हूँ बट क्या मैं इसे पोस्ट करूंगी की नहीं बट येस आई नेवर टुक इट सीरियसली नॉर माई पेरेंट्स आई वॉज लाइक मैं बैठूंगी ही नहीं सो दिस स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम योर हाई गाइज इट्स शिवांगी वेलकम टू माई चैनल सो आज का वीडियो इमोशंस का रोलर कोस्टर राइड होने वाला है बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ अपने सारे हाई पॉइंट्स एंड लो पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ विच आर डेफिनेटली रिलेटेड टू आर्ट एंड डिज़ाइन सो यूजली क्या होता है सोशल मीडिया में इंटरनेट पर लोग अपने सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में बात करते हैं एंड हम लोग क्या करते हैं उनको देख के जज करते हैं ओ माय गॉड दे आर सो लकी कि लाइफ कितनी परफेक्ट है बट रियलिटी में देयर इज़ अ लॉट व्हिच गोज़ बिहाइंड दोस थिंग्स एंड आई जस्ट थाट मतलब मेरे को हमेशा से ही लगता है कि जितना इम्पॉर्टेंट सक्सेस के बारे में बात करना है उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेलियर्स को एड्रेस करना भी है बिकॉज फेलियर्स ऐसी चीज़ है जो हम सब लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी पॉइंट में फेस करते हैं बट वी ट्राई टू हाइड दोज फेलियर्स बट मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए या अच्छा लाइफ में करने के लिए फेलियर्स होना इक्वली इंपॉर्टेंट है सो येस हियर आई एम विद माई स्टोरी मुझे नहीं पता मैं अभी ये वीडियो तो बना रही हूँ बट क्या मैं इसे पोस्ट करूंगी कि नहीं बट यस आई जस्ट होप येडी टोल्ड यू गाइज ट्वेल्थ में आई टुक पी सी एम विच इज साइंस मैं पढ़ाई में हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रही हूँ फॉर एन एग्जाम्पल टेंट पॉइंट एट सी जी पी आए थे एंड डैडी मेरे इंजीनियर है सो ही ऑलवेज़ वॉन्टेड कि उनका एक बच्चा इंजीनियरिंग डेफिनेटली करे एंड ऐसा होता है ना कि अफकोर्स मैं भी बचपन से आर्ट करती आ रही हूँ एंड आप लोगों की तरह मैं भी सोचती थी इट इज़ माई हॉबी सो मैंने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया एंड अफकोर्स मैंने आपको बताया ही है अभी कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरर तो नहीं थी अपने स्कूल में बट एक चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा फेमस थी विच वॉज़ आर्ट सो मैं हमेशा आर्ट कॉम्पिटिशन्स के लिए जाती थी काफ़ी अवार्ड्स भी जीते हैं बट येस आई नेवर टुक इट सीरियसली नॉर माई पेरेंट्स उसके बाद आई चेंज माई स्कूल एंड आई टुक साइंस मेरी पेरेंट्स की इसमें कोई गलती नहीं है हालांकि इफ़ यू टॉक टू देम राव वो रिग्रेट करते हैं इस चीज़ को कि हमने फोर्स क्यों किया बट आई वुड से दैट वो फोर्स नहीं था क्योंकि मेरे पास भी उस टाइम पे कुछ सही नहीं थी कि मुझे और क्या करना है लाइफ सो आई टुक साइंस एंड आई रियलाइज कि साइंस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी एंड जैसे ही मैंने साइंस ली मेरा आर्ट से इस क्रिएटिव फील्ड से टच छूट गया दैट वॉज अ वेरी demotivating पॉइंट ऑफ माई लाइफ उस टाइम पे आई वॉज लाइक ठीक है ट्वेल्थ तक खत्म करते हैं बट तब मैं sure हो गई कि मुझे लाइफ में इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है सो so, ट्वेल्थ मेरी फिनिश हुई जैसे तैसे ट्यूशन वगैरह के साथ आई वुडन से दैट मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया इट वॉज सेवेंटी एट परसेंट प्रिटी फाइन उसके बाद मतलब मैंने सारी कॉलेज के एग्ज़ाम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फिल करे द कॉलेजेस विच विंग बैचलर इन फाइन आर्ट्स डिज़ाइन रिलेटेड कॉलेजेस एंड मैंने इवन आई आई टी एंड ए आई ट्रिपल ई के भी फॉर्म्स फ़िल करे थे मेरे पेरेंट्स ने बोला था फिल करने के लिए बट द फन फैक्ट इज़ दैट मैं उन्हें अटेंड करने ही नहीं गई आई वॉज़ लाइक मैं बैठूंगी ही नहीं मुझे करना ही नहीं है लाइफ में एंड माई पेरेंट्स वे लाइक इसको क्या हो गया है अचानक से सो वन थिंग इन माई लाइफ विच आई वॉज़ कॉन्फिडेंट आफ्टर माई ट्वेल्थ वर्स मुझे लाइफ में इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है पढ़ाई वढ़ाई में आई वॉज़ एन एवरेज स्टूडेंट मैं वापस से वही चीज़ रिपीट करूँगी बट मेरा एप्टीट्यूड हमेशा से सही रहा है लाइक आई वॉज प्रटी मच कॉन्फिडेंट कि अगर मैं मैथ साइंस के कोई क्वेश्चन ना भी सॉल्व करूँ बट मैं एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर कर सकती हूँ सो मेरे नाटा इन सब एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे स्कोरस आए बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ट्वेल्थ के बाद इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पर हम लोगों को ना ही मेरी फैमिली को इतनी ज़्यादा थी डिज़ाइन फील्ड से रिलेटेड हमने बहुत रैंडम फॉर्म्स फिल करे क्योंकि हमें पता ही नहीं था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट डिज़ाइन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन फैशन डिज़ाइन सो मैंने इतने रैंडम फॉर्म्स फ़िल करे जिसकी वजह से मैंने एक साल स्ट्रगल किया सो दिस स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हियर सो व्हाट आई डिड वाज मैंने निफ्ट का एग्ज़ाम दिया मैंने एन का एग्ज़ाम दिया मैंने एम पुणे का एग्ज़ाम दिया uh, मैंने और कौन से दिए थे कॉलेज ऑफ आर्ट का भी दिया था येस सो एन आई डी मेरा क्लियर हो गया था फर्स्ट राउंड सो लाखों लोग अप्लाई करते हैं जिसमें से थ्री हंड्रेड लोग का सेलेक्शन होता है स्टूडियो टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए आई वेंट टू अहमदाबाद एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मेक इट टू फिफ्टी पीपल आई वॉज डिस हार्टन बट द द फन फैक्ट इज़ दैट मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी पर्टिकुलरली इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए एंड निफ्ट में मैंने गलती से गलत फॉर्म फिल कर लिया था वो भी आउट ऑफ लीक चला गया देन कम्स एम आई टी पुणे सो एम आई टी पुणे में मैंने क्या मिस्टेक करी मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग फिल कर दिया बट स्टिल मैं वहाँ का इंटरव्यू वगैरह देने गई थी एंड मेरा हो गया था बट मैंने नहीं किया वो चूज़ उसके बाद मेरा कॉलेज ऑफ आर्ट में हुआ बट मेरा वेटिंग में आया ना कभी कभी ऐसा होता है ना हमें ये नहीं पता होता हमें क्या करना है बट हमें ये पता होता है कि क्या नहीं करना है सो so, मेरी लाइफ में मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं इस जगह तो लाइफ में कभी नहीं जाऊँगी एंड मेरे साथ उस साल वही हुआ मुझे एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा बिकॉज ऑफ कोर्स मेरा ईयर वेस्ट जाता मैंने इन कॉलेज के अलावा कहीं एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं दिए थे आई कैन नॉट टेल यू हाउ डिफ़िकल्ट दैट वॉज सो उस एक साल के लिए मैंने बी एफ ए लिया था एंड आई डिड नॉट इन्जॉय द कोर्स एट ऑल आई यूज़ टू क्राई ऑन अ डेली बेसिस दैट वॉज़ वे टू डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड ऐसा होता है ना कि हम लोगों की लाइफ में वो नेबर्स होते हैं जो कंटिन्यूसली पोक करते हैं आपका बच्चा क्या कर रहा है अच्छा आर्ट कर रहा है या डिजाइन कर रहा है दे ट्राई टू पुट यू डाउन बाय जस्ट यू नो डिसाइडिंग कि ये कोर्स क्या कर रहा है सो ऑफ कोर्स मैं उन लकी बच्चों में से नहीं थी मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ तो उस टाइम पर ऐसे लोग थे जो कंटिन्यूसली पोक करते थे फिंक करते थे कि इनका बच्चा तो ये कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग थैंकफुली मुझे एक पर्सन मिला ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट बिकॉज ऑफ हिम आई थिंक मैंने अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया नॉट दैट वो मुझे बैठ के सिखाता था बट ऐसा होता है ना कुछ लोग को देख के ही हम सीखने लगते हैं ही वॉज दैट सो ऑफकोर्स मुझे बी एफ ए नहीं करना था आई वॉज श्योर अबाउट दिस एंड उसके बाद मैंने जैसे ही मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ मैंने वापस से एंट्रेंस एग्जाम्स दिए सारे कॉलेज़ के मेरा निफ्ट में रैंक आया थ्री हंड्रेड के अराउंड एंड मेरा एम आई टी क्लियर हो गया ऑफकोर्स सो निफ्ट के साथ मैं नहीं गई आई वेंट आई हैड विद एम आई टी एंड आई वेंट टू एम आई टी माई लाइफ चेंजड सो हट चेंज ऑफकोर्स मेरे को बहुत मजा आया जो मैं कोर्सेज कर रही थी आई वॉज़ वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स इन माई बैच एंड थिंग्स चेंज फॉर मी मतलब अभी तक जो बच्चा सिर्फ नॉर्मल या अबव एवरेज था वो अचानक से बहुत अमेजिंग करने लगा सो so, उसके बाद मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई एज आव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल कि मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के साथ कंटिन्यू किया बट पैरली मुझे और भी फील्ड्स में इंटरेस्ट था मैं उनको भी एक्सप्लोर करती थी ऑल्सो गाइज़ अगर मैं इस स्टोरी को बता रही हूँ मैं किसी भी फील्ड को यहाँ पे गलत या कम अच्छा प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ एवरी थिंग इज़ इक्वल आज के टाइम पे हर चीज़ का इक्वल स्कोप है हर चीज़ इक्वली इंटरेस्टिंग है मैं बस अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ सो so, मुझे पर्सनली बी एफ ए नहीं अच्छा लगा था अच्छा इसलिए नहीं लगा था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था वो मुझे क्रिएटिव फील्ड में जाना था पर्टिकुलरली सो यस आई वेंट अहैड विद एम आई टी एंड दीज ऑल थिंग्स हैपन सो या जैसे जैसे मैं फोर्थ ईयर पर गई आई रियलाइज कि इंडस्ट्री थोड़ी बदल रही है एंड जब मैंने जॉइन किया था एम आई टी थिंग्स वर डिफरेंट बट नाउ वेन आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट थिंग्स आर डिफरेंट सो तब तक यू एक्स यू आए डिजिटली चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती जा रही थी राइट सो अफकोर्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट था मुझे रिसर्च वगैरह में भी काफ़ी इंटरेस्ट था देन आई गॉट टू नो कि यू एक्स यू आई इज़ अ बेसिकली अ मिक्स ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड ग्राफिक डिजाइन आई वॉज लाइक दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू इन लाइफ एंड मैं सच बताऊँ मैं ये जो शिफ्ट है ये मैंने पैसे के लिए नहीं किया कि इस फील्ड में ज़्यादा पैसा है ऐसा यू नो आई गो आफ्टर दिस फील्ड सब बिल्कुल नहीं है ये सब ऐसा होता है ना नेचुरली होता चला गया सो जैसे ही फोर्थ ईयर कंप्लीट हुआ फोर्थ ईयर के बाद हमारा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट होता है जिसमें हमें इंटर्नशिप करनी होती है सो so, इंटर्नशिप का टाइम वाज अगेन वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ उसमें क्या था डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ आ रही थी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज एम एन सीज स्टूडियोज स्टार्टअप एंड वो इंटर्नस हायर कर रहे थे आई डिड नॉट अप्लाई टू एनी ऑफ दोज कंपनीज बिकॉज आई वॉज लाइक मुझे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के साथ नहीं जाना है मुझे यू एक्स यू आई में ही ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करना है बिकॉज आई वॉन्ट बैडली कि मेरी जॉब यू एक्स यू आई में ही लगे आई रिमेंबर उस टाइम पर मेरे सारे फ्रेंड्स सारे कॉलेज में आई थिंक सेवेंटी परसेंट बच्चों का कहीं ना कहीं इंटर्नशिप में हो गया था दे व सो हैप्पी वो कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे थे अपने बाकी कामों में एंड उस पॉइंट पर आई रिमेंबर आई यूज टू कॉल माई मॉम आई यूज टू आई यूज टू कॉल माई डैड एज़ वेल एंड मैं डेली कॉल करके रोती थी फ़ोन पर कि मेरा कुछ नहीं हो सकता वॉट इज़ हैपनिंग लाइक वो एंग्जाइटी होती है ना कि अब मेरा क्या होगा जिस चीज़ में मुझे इंटर्नशिप करनी है वो कंपनी आई नहीं रही है एंड ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई कंपनी रिजेक्ट कर रही थी इट वॉज़ मोर ऑफ़ आई वॉजन ईवन अप्लाइंग टू दोज कंपनीज़ बिकॉज आई वॉज लाइक अगर इन्हें मुझे सेलेक्ट कर लिया देन मैं वापस कहीं अप्लाई नहीं कर पाऊँगी सो यस, दैट वेंट टिल फॉर लाइक टू मंथ्स एंड फाइनली एक कंपनी आई आई कैन नॉट नेम द कंपनी कोर्स, बट वो दिल्ली में ही थी विच आई ऑलवेज वॉन्टेड आई वॉन्टिड टू स्टे विद माई पेरेंट्स वाइल डूइंग माई इंटर्नशिप जस्ट टू लेट यू नो इंटर्नशिप का जो एक्साइटमेंट था वो भी काफ़ी अमेजिंग था दैट वॉज समवेयर अराउंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ एंड आज से ये चार साल पहले की बात है सो so, काफ़ी अच्छा अमाउंट माना जाता है इंटर्नशिप में ये I was very happy and satisfied. So graduation project complete करने के बाद basically अपनी internship complete करने के बाद हमारी final jury हुई मैंने exams दिए exams नहीं jury दी and then मेरा campus placement हो गया and yes that was the whole thing. Recently I switched my job. Of course मैं अपनी salary ऐसे disclose नहीं कर सकती public platform में but just to give you guys an idea कि एक UX UI designer कितना earn करता है उसके लिए मैं compare करूँगी एक इंजीनियर के साथ बिकॉज वी कॉन्सटेंटली डील विद डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स सो आई वुड से दैट दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस अगेन एम टेलिंग यू वाइज प्लीज़ वापस से मत आना कि हमने ये चीज़ देखी वो चीज़ देखी सो so, एक यू एक्स यू आई डिज़ाइनर की सैलरी हमेशा एक इंजीनियर से ज़्यादा होती है या इक्वल होती है मैंने कहीं पे भी कम नहीं देखी है इफ़ दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस तो या आप नौकरी डॉट कॉम बहुत ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप सैलरी कंपेयर कर सकते हो एक यू एक्स यू आर डिज़ाइनर की प्रोडक्ट डिज़ाइनर की कंपेरेटिवली जो बाकी टेक्निकल जॉब्स होती हैं उनके साथ एंड यूल गेट योर आंसर्स इट इज़ दैट ईजी ऑल हैव टू से मतलब अभी मैं इन सारी स्टोरीज़ को बहुत स्माइल करते हुए एक्साइटेड होके मे भी आप लोग को बता रही हूँगी बट अभी बात करते हुए थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है हैप्पी फील हो रहा है बिकॉज एंड में वी आर एट अ गुड पोजिशन बट उस टाइम पे वो एक साल एक महीना एक दिन काटना भी इम्पॉसिबल लगता था ऐसा लगता था क्या हो रहा है हमारे साथ सो दिस स्टोरी आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज बिकॉज़ कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ लाइफ में जो हम चीज़ें प्लान करते हैं ना लाइफ उस हिसाब से चलती नहीं है बट उस चीज़ से बिल्कुल भी डिसहार्टन मत होना गाइज़ बिकॉज मैं ये बोलूँगी जो मेरा वो एक साल ड्रॉप ईयर था बेसिकली वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पीरियड था एंड आई थिंक अगर वो नहीं होता तो मैं इतनी हार्ड वर्किंग नहीं होती एम में अपने रियल कॉलेज टाइम में एंड आज मैं मुझे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती सो so यस yes, आपके जो भी फेलियर्स हैं या जो आपको लगता है आपकी लाइफ का ये डाउन पॉइंट है उनको नेगेटिवली मत लो मतलब ऑफ कोर्स वो एक फेलियर है वो आपके साथ चीज़ गलत हुई है बट उसको पॉजिटिवली यूज़ करो एंड आई एम श्योर आप उसको लाइफ में आगे जा रिग्रेट नहीं करोगे माइंड माई वर्ड्स गाइज आपने अगर किसी फेलियर को भी पॉजिटिवली लिया एंड उसमें से कुछ बेनिफिट निकाला आप उसको लाइफ में ज़िंदगी भर याद रखोगे इसीलिए आई डू नॉट फील शाय टॉकिंग अबाउट दिस या मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है इस बारे में बात करते हुए बिकॉज आई रियली ओन इट रियली प्राउड ऑफ इट दैट मैं उस चीज़ से निकल पाई एंड टुडे आई एम मेकिंग सेंस आउट ऑफ ऑल द फेलियर्स विच हैव सीन एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ और सो गाइज मुझे एक और चीज़ हाईलाइट करनी है विच इज़ मैंने जब लास्ट वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग माय वर्क व्हाट ऑल आई डिड ड्यूरिंग दोज फोर इयर्स। आप में से काफ़ी लोग फैसिनेट हो गए एंड दे व लाइक अब हम यही करेंगे अन ऑल ऑफ दैट सो गाइज़ मैं बस ये बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे बोलने पर एकदम ऐसे मत करूँ कि आप ड्रिफ्ट कर दो अपनी लाइफ में करियर ही बदल दो रिसर्च मोर अबाउट इट अल्टीमेटली यू नो वॉट मैटर्स आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसमें आगे जाओ अगर आपको बी एफ ए में इंटरेस्ट है गो अहड विध दैट अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है उस ही फील्ड के साथ आगे जाओ जिस डू नॉट गो विद वॉट आई एम सेंग दिस इज़ माई जर्नी एंड हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है यूनिक होती है सो यस दिस वॉज़ माई स्टोरी एंड अफकोर्स आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं शिवांगी दी यू आर सो लकी आपके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव रहे हैं अफकोर्स गाइज मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव रहे हैं बट स्टार्टिंग में उनके लिए भी ये डिसीजन लेना क्योंकि उनके लिए भी डिज़ाइनिंग बहुत डिफरेंट थी बहुत अलग फील्ड थी समझने के लिए जानने के लिए उनको भी थोड़ा टाइम लगा आई थिंक इस बारे में मेरे पेरेंट्स बेटर तरीके से बात कर पाएंगे कि हाउ एग्जैक्टली डिड दे फील वैन आई सेड आई डू नॉट वॉन्ट टू डू इंजीनियरिंग उनने कैसे अपने आप को इस चीज़ में मोल्ड किया सो कॉलेज टाइम पे पर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो ड्रॉप आउट्स थे जिनने अपनी इंजीनियरिंग आधी छोड़ के प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करने आए थे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने आए थे बिकॉज अल्टीमेटली दे सॉ दे आर नॉट इन्जॉइंग दैट कोर्स एंड नाउ आई फील ग्रेटफुल दैट फाइनली मैं एक ऐसी फील्ड में हूँ जिसमें मैं रोज़ उठ के एक्साइटेड होती हूँ हैप्पी होती हूँ ये सोच के कि दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग राइट नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिन्हें आज भी नहीं पता उनको असली में इंटरेस्ट किस चीज़ में है बट दे आर डूइंग दर रेगुलर जॉब्स विच इज़ नॉट बैड बट मैं ये बोलूँगी कि हम कुछ हॉबीज़ को कुछ चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करते हैं या सोचते हैं ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है बट गाइज हर चीज़ में उतना ही स्कोप है हर फील्ड में उतना ही स्कोप है जस्ट रिसर्च मोर अबाउट इट उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन करो एंड येस आई एम श्योर आप लोग के पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे सो या ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स एंड मैंने तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर ही दिया है सो so येस yes, अगर आपका किसी भी कॉलेज में होता है डू कॉमन नाउन बिलो या मेल कर दो आई वुड लव टू नो आप लोगों की स्टोरीज ऑल्सो Uh, मैंने स्टार्टअप्स पे इंटर्नशिप करी हुई है मैंने स्टूडियोज़ में इंटर्नशिप करी हुई है मैंने एंड अल्टीमेटली आई रियली वॉन्टेड टू एंड अप इन एन एम मतलब मुझे हमेशा से कॉरपोरेट कल्चर बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था बिकॉज यहाँ पे चीज़ें थोड़ी फॉर्मल होती है एंड आई रियली लव दैट पार्ट ऑफ इट फाइनली आई हैव टोल्ड यू द होल घिच पिच ऑफ माई लाइफ टिल नाउ विच वॉज ऑल रिलेटेड टू आर्ट एंड डिजाइन ऑल्सो गाइज आप में से काफी लोग के क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू तो एक्स यू आई मैं किस टाइप का काम करती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट आई थिंक मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी एंड आई रियली वॉन्ट टू क्रिएट दैट कंटेंट फॉर यू गाइज जिसमें मैं बताऊं कि यू एक्स यू आई डिजाइन में होता क्या है सो ये स्टिल देन टेक केयर स्टे सेफ बै एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट गेट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच